फैक्ट नंबर वन गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2,000 से 6,000 रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर टू गाइस, KGF 2 के अधीरा और मुन्ना भाई के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक्टिंग और डायलॉग की पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक सच है। उनकी जिंदगी का एक दूसरा सच भी है कि वो कई बार अपनी गलत आदतों की वजह से लोगों के निशाने पर रहे हैं, और इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुद किया। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने कैंसर स्ट्रगल के साथ साथ उस बुरे वक्त के बारे में भी बताया जब वो ड्रग की लत का शिकार हो गए थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो ये ड्रग्स लड़कियों के सामने कूल दिखने के लिए लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग उन्हें चर्सी और नशेड़ी बुलाने लगे थे, और तब जाकर उन्होंने रिहैब सेंटर जाने का फैसला लिया और इस ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए जिम में भी खूब पसीना बहाया ताकि कोई भी उन्हें नशेड़ी और चर्सी ना कहे। वैसे गाइस, आप संजय दत्त की इस नजरिए के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर थ्री गाइस, आजकल वाईफाई का जमाना है, जहां देखो वहां आपको फ्री वाईफाई मिल जाएंगे और लोग भी इंटरनेट चलाने के लिए इन वाईफाई का यूज बड़े अच्छे से करते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर उसका यूज कर रहे हैं वो भी उसकी इजाजत के बिना, तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ गाइज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 43 के तहत अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं और वो भी उसे बताए बिना, तो उसकी कंप्लेन करने पर आपको 3 साल तक की जेल और 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाइज, क्या आप भी अब तक किसी दूसरे का वाईफाई यूज करते आ रहे थे और आपको इससे पहले तक ये रूल पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर फोर गाइज, अक्सर आप उन सफल लोगों की तरफ देखकर सरप्राइज्ड होते होंगे जो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज, फंक्शंस, मीटिंग्स या फिर सेमिनार्स में देखते होंगे। दरअसल ये वो सफल लोग हैं जिनमें टैलेंट की भले ही कमी हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी पर्सन जब उनसे बात करता है या फिर उन्हें सुनता है तो उनका मुरीद हो जाता है, और उनकी यही खूबी उन्हें सफल बनाती है। वैसे गाइज, अगर आप भी इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1,000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वही अगर आप इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, जल्दी कीजिए।